बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुलायम। ये अभी एक मिनट पहले मैं सुमित से यही बात कर रहा था कि लोगों को जोड़ना, लोगों को इकट्ठा करना और किसी आंदोलन से जोड़ना, और वो भी सामाजिक न्याय के आंदोलन से जोड़ना, ये इतना आसान काम नहीं है। और इसलिए न सिर्फ मुलायम बल्कि उनके संगठन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन सब लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं खुद संगठन से जुड़ा हुआ था और मुझे पता है कि दो लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मुलायम और उनके तमाम साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद जाहिर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर भारत के तारीख में एक ब्लैक डे, एक काला दिन, एक स्याह दिन है। और 6 दिसंबर दलित बहुजन आंदोलन से भी बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज के रोज बाबा साहब अंबेडकर इस दुनिया को छोड़ के, इस दुनिया से चल बसे, आज उनका डेथ एनिवर्सरी है। तो सवाल यह है कि हम इन दो चीजों पे किन पे बात करें। कुछ लोगों को लगता है कि आज का दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ देने से, एक मस्जिद को ढा देने से उन्होंने बहुत बड़ा नाम हासिल कर लिया है, ये गौरव का दिन है, इससे हिंदुओं की इज्जत और अजमत पूरी दुनिया में फैल गई। मगर वो ये बात नहीं समझते हैं कि किसी दूसरे का घर तोड़ देने से आपका घर कभी मजबूत नहीं होता। और आपका घर मजबूत कैसे होगा जब आपके अंदर में, आपके घर में ईमानदारी नहीं है, आपके घर में बेईमानी है। अगर घर का कोई मेंबर दो लोग, दस लोगों का हक मार के खा जाए तो फिर उस घर में एकता, यूनिटी हो नहीं सकती है। तो उस घर के झगड़े को छुपाने के लिए, उस घर में जो अन्याय है उसको दबाने के लिए आपने अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उन पर हमला किया, ताकि लोगों के अंदर में यह गलत फहमी पैदा हो जाए कि भारत में जो मूल समस्या है वो समस्या जाति की नहीं है, वो समस्या भेदभाव की नहीं है, वो समस्या ऊंच नीच का नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान की समस्या है। हिंदू और मुसलमान का कार्ड तब भी खेला गया जब इस देश में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन आरक्षण की बात शुरू हुई। उस जमाने में मंडल की राजनीति को दबाने के लिए कमंडल की राजनीति आगे बढ़ाई गई, और कुछ नाम निहाद शाखा में पाले गए कुछ लोगों को आरएसएस में, बीजेपी में ट्रेनिंग देके उनको पिछड़ों के जो सही नेता थे उनको बदनाम करने के लिए भी आगे किया गया। लेकिन ऐसे लीडर कहां हैं आज उस पार्टी के अंदर में? आरएसएस में कितने पिछड़े लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में उनका रोल है? बीजेपी के बड़े बड़े पोस्ट पे कितने पिछड़े लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं जो देश की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं? आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर दलित और पिछड़े के कुछ नेता मंत्री बना भी दिए गए हैं
तो उस मंत्रालय को चलाने के लिए ऊंची जाति का सेक्रेटरी वहां पे बैठा हुआ है जो फाइल को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय की जो आवाज है उसको दबाने के लिए मुसलमानों का भूत खड़ा किया जाता है। और इसके लिए अगर इस देश में भाजपा और आरएसएस सबसे ज्यादा कसूरवार है तो यहां पे नाम निहाद जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने भी ईमानदारी नहीं बरती है। और ईमानदारी क्यों नहीं बरती, क्योंकि इनका जो लीडरशिप भी है वो भी कुछ ही जातियों पे टिका हुआ है। दोस्तों एक बात मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, आप हिंद स्वराज को देखिए, उसमें महात्मा गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। महात्मा गांधी ने एक बात कही है कि दूसरों का राज कितना भी बेहतर क्यों ना हो, अगर मेरा राज अराजकता और एनार्की पर भी आधारित है तो दूसरों के स्वर्णिम काल से बेहतर मेरा अराजकता का दौर है। यानी दूसरे लोग आके हमारे लिए पॉलिसी न बनाए। इसी तरह की कुछ बात गांधी जी से पहले बिरसा मुंडा ने भी कही थी, और उन्होंने कहा अपनी धरती अपना राज। और बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही बात पूरी जिंदगी में कही है, और उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बुकलेट लिखा था अंग्रेजों को बताने के लिए कि पिछड़ों की क्या समस्या है, दलितों की वंचितों की क्या समस्या है, उन्होंने सांप्रदायिकता को जिस तरह से जो व्याख्या की है वही बात आप हमेशा याद रखिएगा। सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान का झगड़े का नाम नहीं है, सांप्रदायिकता मुस्लिम आतंकवाद का नाम नहीं है। सांप्रदायिकता बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में, सांप्रदायिकता जब दलित और पिछड़ा और आदिवासी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जब अपने हक और हुकूक की बात करते हैं तो उसे सांप्रदायिकता कह के उसे खारिज की जाती है। और जब ऊंची जाति के लोग अपने अधिकारों के लिए जब सत्ता में बैठे रहते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना जेब भरते हैं, अपने समाज के लोगों को हर जगह नौकरियों में आगे करते हैं, तो उसे राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। तो आजकल की जो सरकार है वो कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं। उनका राष्ट्रवाद जो है बाबा साहब अंबेडकर की जबान में कहे वो पेशवा राज है, वो ऊंची जाति के जो ताकत है उसको और ताकतवर बनाना है और वंचितों को और कमजोर करना है। एक छोटी सी किताब है 100 पेज की, तनिका सरकार सुमित सरकार तपन बासु की, खाकी शॉर्ट्स सेफ्रॉन फ्लैग, ओरिएंटल ब्लैकमैन ने इसको छापा है 1990-92 के करीब में किताब आई थी। उस किताब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आरएसएस की स्थापना फूले अंबेडकरवादी आंदोलन को दबाने के लिए हुई है, लेकिन आरएसएस का डिस्कोर्स मुसलमानों के खिलाफ होता है। मुसलमान मारे जरूर जाते हैं, मुसलमानों पे हमला जरूर है, उनकी धार्मिक स्थल को जरूर गिराया जाता है, उनके साथ अन्याय जरूर किया जाता है, उसका वीडियो वायरल जरूर किया जाता है, लेकिन इस देश में झुग्गियों में गांव में रहने वाले कितने दलितों को आदिवासियों को शहर का सौंदीकरण करने के नाम पे यहाँ पे पिछड़ों को उजाड़ दिया गया है और उसकी बात नहीं होती है। आजादी के बाद से डैम बनने में कितने आदिवासी उजड़ गए उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। झारखंड के शहरों में बाहरी लोग जाके आदिवासियों की डेमोग्राफी को जो कमजोर कर रहे हैं कम कर रहे हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो याद रखिए बाबरी मस्जिद पे हमला
देश पे हमला था, लोकतंत्र पे हमला था, सेकुलरिज्म पे हमला था, भारत के आईन पर हमला था, समाजवाद पर हमला था, मंडल पॉलिटिक्स पर हमला था और इस देश में बराबरी की लड़ाई लड़ने वालों पे हमला था। लेकिन उसे बार बार बतलाया जाता है कि ये हिंदू मुसलमान का मसला है, इसलिए मुसलमानों के मसाइल को हमें दलित और पिछड़ों के मसाइल से जोड़ के देखना है। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं, अली अनवर साहब जिन्होंने पासमांदा मुसलमानों के ऊपर रिसर्च किया है, उनकी किताब एक दलित मुसलमान करके अभी अभी राजकमल ने छापी है, उसको आप पढ़िए, 100-150 पेज की किताब है। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि पटना में जो दलित मुसलमान हैं, उनके घर उनका हाल चाल लेने के लिए ऊंची जाति के हिंदू और मुसलमान भी नहीं जाते हैं, बल्कि दलित ही जाते हैं। तो दलितों के बीच में यूनिटी जो है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सांप्रदायिकता के नाम पे मलाई खाने वाले जो स्वर्णवाद की राजनीति है, जिसका चैंपियन बीजेपी है, और उसी मानसिकता के बहुत सारे लोग सेकुलर लबादा ओढ़ के भी उधर उधर बैठे हुए हैं, उनसे भी बच के रहना है। आखिरी बात, बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है और इस तरह की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाएगी और सांप्रदायिकता को खत्म करेगी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कसम खाइए इस देश में अकलियतों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमला होगा तो सबसे पहले उस हमले को सहने वाला इस देश का दलित पिछड़ा होगा। हम मुसलमानों के इस दर्द में साथ हैं और बाबरी मस्जिद पे हमला एक धार्मिक स्थल पे हमला नहीं था, बल्कि ये भारत के संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर पे हमला था। हिसाब लिया जाएगा इतिहास में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।